और खट्टर सरकार जनसंवाद करता है और जनसंवाद में जो सिटी के बच्चे वहाँ जाते हैं पहुँचते हैं उनको वहीं पे बिठा दिया जाता है, माइक छीन लिया जाता है। कुछ तो बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर केस लगाने की धमकी दे दी। ठीक है, खट्टर सरकार को तो मैं कहूँगा ये तो नकम्मी है बिल्कुल। इनकी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो कोर्ट के बिना हो सके। हमें धरने प्रदर्शन कोई भी 19 से 23 आ गया, जो भी एक दो भर्तियाँ कम्प्लीट हुई है बिना हाई कोर्ट के कम्प्लीट नहीं हुई है। कितनी भर्तियां आगे निकलेंगी जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं? 2015 से बैठा हूँ भर्ती के लिए, सिर्फ और सिर्फ की पीजीटी लेक्चरर की भर्ती आएंगी और भर्ती आ रही है तो दो पोस्ट, और दो पोस्ट में कितनी फाइट कर पाएंगे? अब मैं अपनी आवाज उठाता हूँ तो मेरे को उठा के ले जाते हैं, किसको उठाओ यहाँ से। ये जो है ये दूसरी पार्टी के झंडे उठा के फिर XYZ इस बेस पे उठा के ले जाओ इसको। हमें तोड़ दिया गया, हमारे पास धमकियों के कॉल आते हैं इनके की चाहे तो पीछे हट जाओ ना, ऐसा केस बना देंगे पूरी जिंदगी कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ना कभी जॉब ले पाओगे। कि मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ अंधकार दिखता है रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जैसी जैसी घटनाएं आती हैं बहुत डर लगता है। सर मान लीजिए खट्टर साहब ने बताना चाहूँ सरकार ने, ये तो भर्तियाँ लेट नहीं हो रही मेरे भाई, शादियाँ लेट हो रही हैं, जीवन का एक पड़ाव पीछा जा रहा है। आप हंसने की बात नहीं है, हो सकता किसी ने बाय न लगे, सच्चाई है कड़वी। बस जब तक आदमी स्वावलंबी नहीं होता, जब तक शादियाँ नहीं होती, ये पेपर लेट नहीं हो रहे खट्टर साहब। आप तो ठीक है गुजारा करके सिंगल, लेकिन भाई हमने परिवार बसाना है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। जैसा आप सबसे मेरी कई साथियों से टेलीफोनिकली बात भी होती है और रेगुलर आप लोग टच में रहते हो, लगातार भर्तियों को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। पीछे सीईटी को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन भी करे, करनाल की बात हो, हिसार की बात हो, सोनीपत की बात हो, और आप सब लोग अपने अपने लेवल पे जो आज सरकार का भर्तियों को लेकर रुख है, खास तौर पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC, चाहे वो भर्तियां नहीं निकल रही, चाहे उन भर्तियों के पेपर लीक हो गए और उसके बाद उसको सीईटी के माध्यम से कराया, चाहे उसमें कोई प्रोफेसर की भर्ती है जो पिछले कई सालों से नहीं निकली, चाहे वो JBT की भर्ती है। तो मेरा आज आप सबसे एक 1-to-1 मिलने का जो पर्पस था वो ये था कि हम इन इश्यूज़ के ऊपर जो है एक बार खुल के बात करें और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे हैं। आप सभी साथियों के अपने अपने एक्सपीरियंस है, आप सब लाइब्रेरी में बैठ के पेपरों की तैयारी करते हो। मेरी तो एक ही है कि एक 1-to-1 हमारी इंटरेक्शन हो आपस में, हम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बात करें ताकि उन इश्यूज़ को हम भी बेहतर तरीके से समझ सकें, हम भी आगे सरकार के सामने वो चीज़ें रख सकें। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप अपने सभी एक्सपीरियंस जो हैं और साथी शेयर करें। सभी साथियों को नमस्कार, मैं सुमित रोहतक से। सबसे पहले बात करना चाहूँगा CET की। CET का नोटिफिकेशन आया 2019 में, लगातार पता है आपको पाँच साल से लगातार कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। और दूसरी बात, भर्ती जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इतनी खामियां कर देते हैं कि भर्ती को अपने आप ही ये 4-5 साल निकाल देते हैं। इन्होंने वादा किया था कि हर 6 महीने हम CET करवाएंगे और हर साल वैकेंसी भरेंगे, लेकिन अब 5 साल हो चुके हैं, CET के अंदर भी कोई भी एक भी पेपर नहीं हुआ अब तक, और ये इलेक्शन के टाइम पर ही भर्तियाँ करवाने की कोशिश करते हैं। और अब तो इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है कि ये भर्ती करवा दें। और खट्टर सरकार जनसंवाद करता है और जनसंवाद में जो CET के बच्चे वहाँ जाते हैं पहुँचते हैं उनको वहीं पे बिठा दिया जाता है, माइक छीन लिया जाता है। कुछ तो बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर केस लगाने की धमकी दे दी और उन्होंने उनको अरेस्ट करने की कोशिश भी करी गई। इसलिए जनसंवाद नहीं है, जनसंवाद है, यानी जनता के संवाद ले रहे हैं। युवाओं की कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे अब, क्योंकि सरकार खट्टर सरकार ने खुद लोग बच्चे खुद युवा बेरोजगार खुद कर रखे हैं। ना तो कोई भर्ती निकालते, ना कोई निकालते हैं उनको पूरी नहीं करते, कभी विड्रॉ कर देते हैं, कभी उसमें खामियां छाड़ देते हैं। तो ये सरकार बेरोजगार इतनी फैला रही है बेरोजगारी जिसका हम कुछ कह नहीं सकते, इन्होंने बिल्कुल बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आने वाली सरकार से भी, ये सरकार आएगी नहीं, सीधी सी बात है, हम तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा। आने वाली सरकार से कहेंगे हम तो कि बच्चों की आवाज़ जैसे अब उठा रहे हो ना, आगे भी आने वाले समय में भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो आप। हम आपको बताएंगे क्या गलतियाँ, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। ये नहीं है कि अब आए हैं तो आगे नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये जितनी भी गलतियाँ अब ये सरकार कर रही है उनको सुधारा जाए। ठीक है, खट्टर सरकार को तो मैं कहूँगा ये तो नकम्मी है बिल्कुल, इसका तो कोई मतलब इशू ही नहीं है, तो खत्म हो चुकी है। नमस्कार सब साथियों को, मेरा नाम प्रदीप संधू है कैथल से। जैसे आप सभी को पता है सरकार ने जो सरकारी भर्तियाँ तो जैसे तैसे, साथी ने बताया सुमित ने, कि लटकी हुई। इन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा को हम सरकारी रोजगार नहीं दे सकते, तो इन्होंने एक न्यू चीज लाए, न्यू पॉलिसी, जिसको HKRN नाम दिया इन्होंने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, कि एक बंदा 60,000 ले रहा है वो उसमें 3 को सेट कर देंगे इसके थ्रू, ताकि बेरोजगारी कम से कम रहे। लेकिन जो ये भी है ना, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसमें इन्होंने मेन सिलेक्शन का इशू ही बनाया है फैमिली आईडी।
जिसमें बता रहे हैं ये 150 नंबर का पूरा क्राइटेरिया रहता है, पोर्टल पे दिखाते तो हैं, ये वैकेंसी है तो पता नहीं लगता, लेते हैं फॉर्म, भर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसमें सिलेक्शन किस दायरे में आके लेते हैं, जैसे 150 भी तो आया ये नहीं पता, 130 किसके थे, कोई उसकी पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है उसकी भी, उसमें जो जिसको भी सिलेक्ट कर क्राइटेरिया फिक्स नहीं है उसमें, भाई 130 वाले का 120 वाले का आया है, किसकी फैमिली आईडी की इनकम कितनी थी, किस बेस पे उठा रहे हैं, और कोई पीडीएफ भी नहीं आ रही फाइल, भाई हाँ भाई इतने बच्चों ने फॉर्म डाला था और सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम ये है। जो ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये जब ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, इनकी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो कोर्ट के बिना हो सके, हम बच्चों का काम ये है पढ़ें, एग्जाम डेट दें, एग्जाम दें, हमारा उस हिसाब से नाम आए मेरिट लिस्ट में, हमें सिलेक्शन दिया जाए, हमें धरने प्रदर्शन कोई भी 19 से 23 आ गया, जो भी एक दो भर्तियाँ कम्प्लीट हुई है बिना हाई कोर्ट के, कंप्लीट नहीं हुई है, हाँ बिल्कुल वहाँ पर उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया वही मान्य हुआ, ये बोलते हैं हम युवाओं के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए काम करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन दिया हरियाणा जीके का, सिर्फ एक क्वेश्चन था, 25% रेचो सर सिलेक्शन में, उसमें हमारा जो सिलेबस दिया था उसमें बताया 25% हरियाणा जीके आएगी, एक नंबर की आई सर, मैं खुद इसका पीड़ित रहा हूँ। तो ये ऐसा कोई भी स्टेट है, यूपी लगा लो, राजस्थान लगा लो, सभी अपने अपने स्टेट के बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे वाले हैं ना, आप बड़ी से बड़ी वैकेंसी एच सी एच लेवल पर उठा लो, उसमें देख लो आप कितने बाहर जा रहे हैं, छोटे से छोटे लेवल पर उठा लो, हम भी चाहते हैं हम क्यों बाहर जाएं, ये सिटी की ऐसी पॉलिसी लाए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अब सेंटर में भी इम्प्लीमेंट कर दिया इन्होंने सिटी को कि हम छान देंगे फिल्टर में, ऐसा छाना जो 6 महीने में ले बने तो 4 साल में छड़े इन पर, इन्होंने छान दें हम आगे जाएगा, इन पर सीट नहीं छड़ता, ये बी ए बार बार हैं और ये समझ नहीं रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गए जीते जागता, मैं गांव में सर सही बताऊँ ना, बैग उठाते हुए ही शर्म आने लगी है, क्योंकि भर्ती होते नहीं है, पेपर होते नहीं है, होते हैं तो लीग कैंसिल हो जाते हैं, पारदर्शिता कहीं है ही नहीं है, कोई एच के आर निकाला हरियाणा को रोजगार निगम, उसका मैंने एक ही फॉर्म डाला, उसमें भी मैं बिल्कुल फुल फील्ड का क्राइटेरिया, सिलेक्शन पारदर्शिता पता ही नहीं कि क्या इनका क्राइटेरिया कैसे ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिक एंड चूज है इनका, क्योंकि अपने बंदों को सेट करने के लिए इन्होंने बना दिया ये, क्योंकि पिछले जो प्लान में ये कर नहीं पाए थे, इसमें इन्होंने ये निकाला, SDO लेवल की सर वैकेंसी इसके अंदर आ रही है, हम कहाँ जाएंगे, गरीब घरों के बच्चे हैं, कहाँ तक सरकार का सामना कर सकते हैं, हम तो बस आप लोगों के सहारे हैं, विपक्ष हमारी आवाज़ उठाएगा, और युवा जैसे आपने कहा युवा जोड़ो अभियान जो चलाया, हम तो आपके भी ऋणी हैं कि आपने युवाओं के प्रति सोचा तो सही कम से कम, और युवाओं की आवाज़ को आप बुलंद तरीके से उठाइए, और मैं तो ये कहता हूँ सर आगे 24 में भी जो आप जिन मुद्दे के ऊपर आपने हमारे साथियों में मीटिंग ली है, इन मुद्दों को कंधे से कंधा मिलाकर आप, मैं चाहूँगा कि 24 के जो टेन्योर के बाद जो सरकार आए उसमें ये चीज़ें हमें सामना करने को ना मिले। तो क्या अभी खामियां हैं, क्या चेंज होने चाहिए, किस तरीके का मैनिफेस्टो होना चाहिए, किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, भर्तियों की डेडलाइंस फिक्स होनी चाहिए, भर्तियों के कैलेंडर्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग आपके साथ बैठ के ही करेंगे, और बिल्कुल इस ये हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, कुछ साथी इसको सत्ता परिवर्तन की लड़ाई समझते हैं, हमारी लड़ाई आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इस व्यवस्था के तहत हमारे प्रदेश की जवानी जो ख़त्म हो रही है ना, उसको हम कोशिश है हमारी कि किसी ना किसी तरीके से सुधारा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, और अभी भाई साहब ने बात की थी कि व्यवस्था परिवर्तन की बात, कि व्यवस्था में परिवर्तन देखना चाहते हैं, और मैं इसी चीज़ को जो व्यवस्था में परिवर्तन बीजेपी सरकार ने किए हैं, वो सभी आप लोग सभी ने भर्तियों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, करप्शन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और मेन जो व्यवस्था की बात करूँ मैं, जो व्यवस्था परिवर्तन इन्होंने किया है, हम बात करें कि भर्तियों के अंदर करप्शन है, और चाहे वो CET है या फिर कौशल रोजगार के थ्रू भर्तियाँ की जा रही है, PGT की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तमाम जितनी भर्तियाँ उनके अंदर हमें पहले तो ये देखना है कि भर्तियाँ निकाली कितनी जा रही हैं, ये भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी तो कितनी भर्तियाँ आगे निकलेंगी जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, 2015 से बैठा हूँ भर्ती के लिए, सिर्फ और सिर्फ की PGT लेक्चरर की भर्ती आएंगी, और भर्ती आ रही हैं तो दो पोस्ट, और दो पोस्ट में कितनी फाइट कर पाएंगे, मेन चीज ये है। और दूसरा, जिन स्कूलों के अंदर हमने टीच करना है, आगे हम टीचर बन के जाएंगे, उन स्कूलों को तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बेच रही है, बेचने लग रही है, तो मतलब वहाँ पे हम भर्तियों की बाट देखने लग रहे हैं, उधर का स्कूल भी करने लग रहे हैं, और वो स्कूल जिन स्कूलों को हमारे माँ बाप ने, दादा दादाओं ने, जितने भी मतलब हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं
उन्होंने अपने चंदे से डोनेशन से उन स्कूलों को तैयार किया था और गवर्नमेंट उनको बड़ी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई और उन प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट बेचने लग रही है। सर आज के टाइम पे हरियाणा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके अंदर अगर भर्तियों को कंप्लीट किया जाए, जितने भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं, तो एक भी बच्चा मेरे हिसाब से जो इलिजिबल है ना, वो एक भी बच्चा नहीं बचेगा कि नौकरी के लिए, सभी को रोजगार मिल जाएगा। सर इसके अंदर एक सिस्टम ऐसा है, मतलब हमारे सामने स्क्रीन है, मैं स्क्रीन पे बैठ गया, मेरी आपके साथ सेटिंग है, मतलब कोई सेटिंग करने वाला उसके साथ में, तो मैं सिर्फ स्क्रीन पे बैठा हूँ, मेरा पेपर कहीं और दूसरी जगह पे चला हुआ है, वो दूसरा बंदा उसको करने लग रहा है, आपकी स्क्रीन को कोई और ऑपरेट कर रहा है, कोई और ऑपरेट कर रहा है एक करके, तो ये सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है। चाहे वो ग्राउंड लेवल की बात करें हम, भर्तियां तो बाद में होंगी, पहले तो भर्तियों के लिए पोस्ट भी तो क्रिएट करनी पड़ेंगी, पोस्ट ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि दोरी मारा, एक तरफ तो पोस्ट नहीं है और दूसरी तरफ अगर प्रोफेसर की बात करें खासतौर पे, तो एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं जी, तो वहाँ से तो स्कूल बंद हो रहे हैं तो वैकेंसी ड्रॉप हो रही, इधर से ये वैकेंसी निकाल भी नहीं रहे जी। नमस्कार साथियों, कोई मतलब अलग अलग तरीक़े की सबको अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें भी हो रही है। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसका एक ना तो कैलेंडर होता है, भाई इस डेट पर वैकेंसी आएगी और इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, इस डेट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। वैकेंसी आती है फिर सिलेबस आता है साथ में, पहले सिलेबस भी नहीं था, तो ऐसा ही मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि सिलेबस फिक्स होना चाहिए, एक डेट ऑफ एग्जाम फिक्स होनी चाहिए, एक ज्वाइनिंग डेट फिक्स होनी चाहिए। नमस्ते भैया दीपांशु, मैं मेरा जो मुद्दा है आज लेके सीईटी के रिगार्डिंग मेरा मुद्दा है, जो ये 5-5 नंबर प्रसाद की तरह दे रहे हैं कि एग्जाम जो सीईटी है इसमें इनका 5 नंबर का सोशो इकोनॉमिक इनका क्राइटेरिया है, उसके अंदर ये 5 नंबर देते हैं, जैसे जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है उसको ये 5 नंबर देते हैं, या फिर जो बंदा फादरलेस है उसको 5 नंबर देते हैं। ये इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं कि फादर ऑन पेपर फादर को मार के 5-5 नंबर ले रहे हैं, ऑन पेपर फादर मरा है, फादर जिंदा है और 5 नंबर ले रहे हैं। 1,00,000 सर घर में सरकारी नौकरी है, 5 नंबर ले रहे हैं, प्रूफ पड़े हैं मेरे फ़ोन में बहुत सारे ऐसे। और इसके रिगार्डिंग मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, जन संवाद में मैं बोला भी था, मैंने अपनी आवाज़ उठाई भी थी, नारनौंद जो डिस्ट्रिक्ट है, नारनौंद जो है वहाँ पे आए हुए थे जन संवाद के लिए, तो मैं वहाँ 4 जन संवाद में बोला था, और एक जन संवाद में जब मैंने आवाज़ उठाई कि सर आप जो फैमिली आईडी के बेस पे जो आपका 5-5 नंबर का जो वेरिफिकेशन का जो फिनोमेना है वो बिल्कुल गलत है, क्या कसूर है एक जेन्युइन कैंडिडेट का, एक जेन्युइन कैंडिडेट का ये सरकार जो बिल्कुल हक मार रही है। अब बताइए आप फैमिली आईडी में इनकम जो है हरियाणा की पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो 2,96,000 है, लेकिन के टाइम में 2,85,00,000 में से ऐसा दिखा रहे हैं कि 1,58,00,000 जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी इनकम 1,80,000 से कम है, कैसे पॉसिबल है सर आप बताइए, और वो 5-5 नंबर क्लेम कर रहे हैं, किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि 5-5 नंबर जो है वो हम देंगे इनको, खुद 5-5 नंबर का फिनोमिना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 5-5 नंबर देना या तो बंद करो या आप दो ही मत। अब मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ तो मेरे को उठा के ले जाते हैं, किसको उठाओ यहाँ से, ये जो है ये दूसरी पार्टी के झंडे उठा के फिर रहा है, अगैरा वगैरह एक्स वाई जेड इस बेस पे उठा के ले जाओ इसको। अब बच्चा मरता क्या ना करता बताइए, अब बच्चे को तो इन्होंने बिल्कुल इतना ऐसा काम कर रखा है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे लेकर ही आते हैं और बेरोजगारों को ये रोजगार तक नहीं दे पाते। ये बेरोजगार जो है ना, ये दर्द सिर्फ एक पढ़ा लिखा जो युवा वही जानता है जो एक अनपढ़ माँ बाप से खर्चे के लिए पैसे मांगता है सर, ये मेरे देश का ये दुर्भाग्य है कि पढ़ा लिखा जो एक युवा है वो बेचारा दस डिग्री लेके बैठता है और इस से कि उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं रोजगार तो है ही नहीं। आप बताइए बच्चे करें तो क्या करें, इन्होंने ऐसा काम कर रखा है। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर मेरे को तैयारी करते हुए 5 साल हो गए, सीटी बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले तैयारी करता था मैं, अब सीटी में इतनी बड़ी धांधलेबाजी है जिसकी मैं आपको बताऊँ भी तो क्या बताऊँ कि मेरे को 8 साल हो गए सर, 8 साल अभी भी तैयारी कर रहा हूँ सर, इसी बेस पे कि हाँ कोई तो नौकरी मिलेगी, लेकिन ये जो 5-5 नंबर 10-10 नंबर का जो फर्जीवाड़ा है इसने सर जिंदगी झंड करके रखी है, अब किसको बताएं हम, घर वाले पूछते हैं बेटा नौकरी का क्या रहा, क्या कहें सर अब हम उनको, किस मुँह से हम उनको ये कहें कि 5 साल हो गए माँ भर्ती जो हुआ पूरी नहीं हो रही, 10 साल हो गए माँ भर्तियाँ पूरी नहीं हो रही है, वैकेंसी आती है कैंसिल कर देते हैं, सीटी में मर्ज कर देते हैं, लेकिन सीटी का भरोसा नहीं अभी भी पूरा होगा या नहीं होगा। पहले तो मैं सभी को यहाँ पे राम राम कहना चाहूँगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 5 साल से एक पॉलिसी बनाई जा रही थी सीईटी की, 5 साल लगा दिए उस पॉलिसी को बनाने में और उसमें एक काम ढंग का नहीं किया, एग्ज़ाम लिया इन्होंने 3-4 साल बाद, 2 साल तो फार्म भरवाए,
कि 500 रुपये में फार्म भर लो, 500 रुपये में फार्म भर लो, फार्म भरे गए, एग्ज़ाम लिया फिर उन्होंने 5-6 नवंबर 2022 में। एग्ज़ाम होने के बाद सर रिजल्ट में आया 3,57,000 कैंडिडेट पास हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट में इन्होंने एक लेटर जारी किया, उसमें दिखाया इन्होंने 3,58,000 स्टूडेंट पास हैं। उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आया, उसमें आया 3,59,000 स्टूडेंट पास हैं। ये हजार हजार करके स्टूडेंट जो बढ़ने लग रहे हैं, ये किस हिसाब से बढ़ने लग रहे हैं? क्या कोई क्राइटेरिया, क्या 2 लाख में पेपर पास हो जाएगा, 3 लाख में पेपर पास हो जाएगा? तो ये पहले हमें भी बता दो भाई, हम 2-3 लाख दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ऐसे पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, ये बढ़ा रहे बार बार कैंडिडेट। उसके बाद क्या होता है, आज पूरे हरियाणा का मैं दुश्मन बन चुका हूँ सर। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मैंने केस किया कि ये जो 5 नंबर है ये वेरीफाई होने चाहिए सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम से पहले। मेंस एग्ज़ाम में सभी को पता 4 गुना बैठाते ही हैं, और 4 गुना में उन्होंने 30,000 स्टूडेंट को बैठा। मैं बोल रहा हूँ जो ये 5 नंबर आप फ्री के बांट रहे हो, आप वेरीफाई कर लीजिए एक बार, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती में आ पाए, और जो फ्रॉड स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलत 5 नंबर लिए हैं वो इस भर्ती से जाए बाहर। लेकिन क्या हुआ, कोर्ट में हमारी जीत हुई। कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल माना कि किसी अगर भर्ती में 10 स्टूडेंट बैठते हैं, 10 वैकेंसी हैं, तो उसमें 40 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। 40 स्टूडेंटों में से अगर 5 फ्रॉड निकल गए तो आप उनको दोबारा कर दोगे अगले स्टेज में, लेकिन जो उनकी जगह 5 बैठने चाहिए थे आप उनको कैसे न्याय दोगे? तो उसमें कोर्ट में हमारी जीत हुई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने कर दिया वो डबल बेंच चैलेंज। हाँ, अब वो पहले तो यही बात डबल बेंच में चैलेंज करने की क्या बात थी, ट्रांसपेरेंसी तो आ रही थी भर्ती में। एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी हमने इतना लड़ना पड़ेगा क्या सर? पहले कमीशन में जाके कमीशन को गलत ठहरा गया है, कमीशन खुद अपनी गलती मान रहा कि हम गलत हैं, हम अपने आप को गलत मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है इसमें फ्रॉड स्टूडेंट हैं, फ्रॉड हैं तो हम फ्रॉड को बाहर करने की तो मांग उठा रहे हैं। हमें दुश्मन दिखाया जा रहा कि इन दुश्मनों ने, ये है तुम्हारा दुश्मन, इसने भर्ती रोक दी। कभी मेरे को कांग्रेस का बोला जा रहा, कभी बोल रही है कांग्रेस के पैसे खाया हुआ है, कभी बोल रहा है इसको तो कांग्रेस का फंड आने लग रहा है, इसको ये आने लग रहा है। हमें कल्प्रिट दिखा दिया सब स्टूडेंट की आंखों में, लेकिन हम बस इतना चाहते थे जेन्युइन स्टूडेंट भर्ती में बैठे और फ्रॉड स्टूडेंट भर्ती से बाहर जाए। ये आज मैंने गलत कर दिया ये काम मैंने, कि मैं जेन्युइन स्टूडेंट को भर्ती में बैठाना चाह रहा था। हमें तोड़ दिया गया, हमारे पास धमकियों के कॉल आते इनके कि चाहे तो पीछे हट जाओ ना, ऐसा केस बना देंगे पूरी जिंदगी कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ना कभी जॉब ले पाओगे। और सर इन्होंने क्या किया, 56-57 का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इन्होंने रात को कोर्ट खुलवा लिए। हमारे लिए रात को कोर्ट नहीं खुलता, इन्होंने अपनी पावर का गलत प्रयोग किया है। रात में कोर्ट खुलवाना है क्या मतलब, हमारे लिए तो कोर्ट 10 से 5 बजे तक खुलता है, इनके लिए रात को खुलता है। फिर बाद में कोर्ट में जज साहब ने मना कर दिया, रात को कोई कोर्ट नहीं खुलेगा, इतना बड़ा मैटर नहीं है। उसके बाद इन्होंने सुबह 8 बजे खोल लिया, जो 10 बजे खोलना था 8 बजे खोल लिया, और उस 8 बजे में ये एक रिलीफ लिया है कि आप 56-57 का एग्जाम कंडक्ट करवा लो। उसके पीछे इन्होंने इतना घमासान युद्ध किया, अपनी पूरी पावर झोंक दी, अपने एजी, अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील पूरी पावर झोंक दी और एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद सर 57 का एग्जाम हुआ, 100 क्वेश्चन आए उसके अंदर। उसके बाद उससे अगले दिन 56 का एग्जाम होना था, उसमें सर क्या हुआ, 100 में से 41 वही पिछले दिन वाले आ गए। हाँ, हमने सोचा कोई नहीं भाई, गलती हो गई, एजेंसी ने गलती कर दी, सरकार इसको 2 मिनट में कैंसिल कर देगी। कितना टाइम लगता सरकार को कैंसिल करने में या कमीशन को कैंसिल करने में? लेकिन नहीं, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अपनी गलती नहीं माननी, बोल रहे कई एजेंसी ने गलती कर दी। मतलब एजेंसी ने गलती कर दी, सुधार तो सकते हो कैंसिल करके, फिर स्टूडेंट को कोर्ट में जाना पड़ता है कि सर जी हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें बैठ हमारा दोबारा से एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, उसके लिए फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। सर बिल्कुल अंदर से बिल्कुल टूटते पड़े हैं सर, बिल्कुल टूट गए हैं। लेकिन क्या करें, इस सरकार ने ऐसा कर दिया, अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाते रहते सर ये रैलियों में कि हमारी सरकार में एक स्टूडेंट नहीं लगता फ्रॉड, लेकिन सर वो 5-5 नंबर ले लेके मेरा सर टोटल 11 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। मेरा रैंक टोटल हरियाणा में 80वां रैंक था सर मेरा, वो मेरा रैंक 5 नंबर वाले जो फ्रॉड स्टूडेंट है ऊपर चले गए मेरा, उसकी वजह से रैंक 750 हो गया, मैं आवाज़ नहीं उठा सकता। ओवरऑल बेसिकली ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग है ना, जो आप 5 नंबर की बात कर रहे हो, वो चीज़ें कोई फिक्स नहीं है, और कोई इन्होंने जैसे ये बता रहा था अभी विकास बता रहा था कि हम वहाँ गए तो वहाँ वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारी गलतियाँ, बिल्कुल गलतियाँ मान रहे हैं अपनी। वो जो पॉलिसी मेकिंग है बेसिकली जिन लोगों ने भी बनाई है, सरकार में बैठे लोगों ने बनाई है, वो कुछ अच्छे सोच तरीके से, मतलब एक होता है कि बैक ऑफ द माइंड सारी चीज़ें सोच के इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, इसमें क्या कमियाँ हो सकती हैं, वो बनाई नहीं है। वो थोप दी बच्चों के ऊपर, अब जो दिक्कतें निकल के आ रही हैं वो अपने ऊपर ब्लेम उसका लेना नहीं चाह रहे, वो ब्लेम
ना लेके बच्चों के ऊपर उसका ब्लेम डाल रहे हैं। पांच नंबर लिए क्यों आप ये बताओ सर, बगैर एडमिट कार्ड बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, बगैर एडमिट कार्ड सावन में रात सुबह पेपर था जैसे मेरा रात को कुछ बच्चों के हिसार सेंटर आए भाई, 100 बच्चे हैं, सिर्फ रोल नंबर डाला उनका, कोई नाम नहीं, कोई वहाँ पर आती है एसएससी की तरफ से एक सीट आती है सर हमारी, बस मेरा नाम प्रदीप है, सन ऑफ राज भी ऐसे आएगा पूरी पारदर्शिता में, कुछ नहीं है उनकी, ऑन द स्पॉट वहाँ मेरी सीट पहुँचेगी, कैसे मान लें हम ये जो 56-57 का हुआ भी है जो भी पेंडिंग है कोर्ट में, 41 क्वेश्चन रिपीट है, कैसे मान लें पारदर्शिता है। और अभी हाल ही की बात थी, प्रेफरेंसेज के लिए इन्होंने पोर्टल खोल दिया कि जो 400 पोस्ट है, 400 पोस्ट में से मैं मान लो एक्साइज इंस्पेक्टर लगना चाहता हूँ, टैक्सेशन लगना चाहता हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी होगी, उसमें क्या किया ना उन्होंने विदाउट ओटीपी उसका लॉगिन हो रहा था, सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आई हुई है रिवाइजल्ट में, स्टूडेंटों ने क्या किया जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन देख, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ देख ली, मेरी प्रेफरेंसेज गलत बढ़ दी पोर्टल में। हाँ, मेरे को लगना था एक्साइज इंस्पेक्टर, बना दिया मेरे को वहाँ पे क्लर्क, जो सबसे नीचे लेवल वाली पोस्ट थी वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता दे दी, उसके बाद मेरी गलत प्रेफरेंसेस बढ़ दी, उसके बाद ये अपने पोर्टल में ठीक करते हैं और हमारी जो गलत हमारे साथ जो गलत हो गया वो ले आप FIR लेके आओ उन स्टूडेंटों के ऊपर, हमें क्या पता किसने कर दिया। तो ऐसा कुछ OTP सिस्टम होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वही उसको चेंज कर सके, अगर चेंज करने का प्रोविजन भी हो, ऐसा पब्लिक डोमेन में तो कोई किसी का चेंज कर देगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं MPhil हूँ, नेट हूँ और PhD भी हूँ, ठीक है, सिर्फ दो ही बात है और दोनों बात टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है, पहली बात है कॉलेज कैडर की और उसके बाद बात करूँगा स्कूल कैडर के बारे में, ठीक है। जो कॉलेज कैडर की वैकेंसी आई HPSC की वो आई 2019 में, ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, 4 साल से वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्कूल कैडर की, स्कूल कैडर की वैकेंसी आई 2015 में, ठीक है, HTET क्वालिफाई कर लिया 2016 में, HTET की जो एक्सपायरी डेट है वो है 7 साल, ठीक है, 2023 में वो एक्सपायर हो गया, आज तक कोई वैकेंसी आई नहीं है, कितनी बार HTET करें भाई, जब कोर्ट कह रही है कि भाई आपके जो कॉलेजेज हैं उसमें से 60% पद खाली हैं, आप क्यों नहीं कर रहे 2019 के बाद से, भाई जब कह रही हैं कि भाई आपके टीचर्स नहीं हैं स्कूल में, आप क्यों नहीं PGT की वैकेंसी पूरी कर रहे हैं भाई। पहले जो है ना HPSC जो कॉलेज कैडर है ना और जो स्कूल कैडर है वो पहले एक ही पेपर लेती थी, MCQ लेती थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेती थी, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू था, PGT में तो बीच में बंद भी कर दिया था इंटरव्यू, लेकिन उस बंद करने पर ना कोई भी आज तक वैकेंसी नहीं हुई है पूरी, ठीक है। एक बार इन्होंने कहा था कि भाई हम PGT के लिए ना कोई भी इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन केवल वो कहा गया था, उसमें कोई वैकेंसी नहीं हुई थी, ठीक है, दोबारा से वो HPSC पर आ गया था और उसमें वो कर दिया था इंटरव्यू, कर दिया था 12.5 नंबर का, ठीक है भाई। पहले आज तक बच्चे तैयारी कर रहे थे MCQ के लिए, भाई आपने सडनली क्यों पैटर्न चेंज कर लिया उसके लिए। नमस्कार सभी साथियों को, और आप सब सारी बातें कह दी हैं जिसके मानसिक स्तर पे जिससे हम जूझ रहे हैं, वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो उसके बाद कैंसिल हो जाती है, अगर वो हमने पेपर दे दी सब चीज़ें हो गई तो कोर्ट केस लग जाता है और हम मानसिक स्तर पे उलझे रहते हैं, और हम जिन परिवारों से हैं हम लंबे समय तक उससे जूझ नहीं पाते, हम हार मान लेते हैं और फिर आप तो लड़के हैं शायद फिर भी कुछ समय निकाल लेते हैं, पर हम लड़कियों का क्या हाल होता है आपको पता है, MA करके डॉक्टर करके मैं कहाँ हूँ, मैं उसी स्थिति में हूँ, मैं उस स्थिति से निकली नहीं, तो मेरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे घर वालों को ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि मुझे 2 साल दे दीजिए, मैं कुछ कर दिखा दूंगी आपको, आगे से मुझे ताने ही मिलते हैं कि आपने 2 साल में क्या कर लिया ना। तो मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट से हूँ जहाँ मेरा जो काम है सर वो इंडिविजुअल्स के साथ है, कम्युनिटीज़ के साथ है और ग्रुप्स के साथ है, उनकी साइको सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। लेकिन आप मेरा हाल देखिएगा कि हरियाणा ने मुझे क्या दिया है, या मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना, मैं लड़की हूँ और मैं हरियाणा की उन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्होंने सोशल वर्क से डिग्री किया है, मास्टर्स किया है। देखिए ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में है ये कोर्स, यूनिवर्सिटी के अंदर एक वैकेंसी निकली थी 2020 में जनवरी में उसका पेपर हुआ था और वो SC कैटेगरी के अंदर वैकेंसी निकली थी, पेपर हुआ, लोग जो हरियाणा के हैं कहीं दूर दूर बैठे हैं बेचारे बसेरा करे हुए, उन्हें दिखी वो आए, उन्होंने पेपर दिया, पेपर कोरोना आ गया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोरोना भी सिर्फ जनवरी में नहीं आ गया था यहाँ पर, जनवरी में नहीं आपका लॉकडाउन लग गया था, है ना, 20 जनवरी को पेपर था, मार्च के बाद चीज़ें एकदम ब्लॉक हो गई थी, लेकिन हमारा कोई रिजल्ट नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं, हमें हरियाणा का हाल पता ही है जो आप सब बता दिया, हम उम्मीदें खो चुके थे और उम्मीदें एट लास्ट अपना ख़त्म हो गई।
तो आप लोगों पे जो मार है ना, आप मुझ पे समझ लीजिए कि दोहरी मार है। मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शायद यहाँ पे हमें इसी की बात, रोजगार की ही बात करनी चाहिए और मैं इसी पे फोकस हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ अंधकार दिखता है रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जैसी जैसी घटनाएं आती हैं बहुत डर लगता है। परिवार भेजता है और परिवार को लगता है कि चलो कुछ हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन वो हमें पता है कि सिर्फ एक ढकोसला सा, एक झूठा वादा ही हम उनको दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार, मैं विक्रम नरवाल लाडवा से हूँ। तो जैसा कि अभी आपने सभी ने सुना ही है कि भाई एजुकेशन को लेके कितना बड़ा, मतलब कि सरकार ने हम सभी को बहुत ही परेशान किया हुआ है। भर्तियों की बात लगा लो, या जैसे बहन ने जैसे बताया कि भी मुझे इतना ज़्यादा अब टॉर्चर हो रहा है कि भी मैं लगता ही नहीं मुझे कि हमने कुछ किया है। ऐसी ही मैं अपनी अपनी एक घटना बताना चाहता हूँ आप सभी को कि भी मैं मतलब किस तरह से इस सरकार से इतना परेशान हो चुका हूँ। मैंने बीटेक की थी 2015 में। 2015 में बीटेक करने के बाद मैं प्राइवेट नौकरी करने लग गया था, पहले गुड़गावा की, उसके बाद मैं मोहाली चला गया था। तो मोहाली से हमें 2020 में नौकरी से निकाल दिया गया था कोरोना के टाइम में। तो तब मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह दर दर की ठोकरे खाने से, और तब से लेके मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गया था। और 2020 से लेके अब तक मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें सीटी को लेके भी अभी सभी साथियों ने बताया भी है कि सीटी में क्या कितना बड़ा फ्रॉड है। तो यही, पहले इन्होंने ग्राम सचिव का एग्ज़ाम लिया, पहले ग्राम सचिव का एग्ज़ाम लेने से पहले इन्होंने भर्ती निकाली, फिर उसको पोस्टपोन, जैसे आगे इनका पेपर लेने का जो शेड्यूल बना उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा पोस्टपोन कर दिया, पेपर करते करते इन्होंने ले लिया, उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने ही पेपर फिर वो कैंसिल कर दिया, फिर आगे आके उन भर्तियों को इन्होंने सीटी में मर्ज कर दिया। अब सीटी में तो सभी को पता ही है कि भी आगे क्या कुछ चल रहा है, मैं उस मुद्दे पे आगे नहीं बोलूँगा। मैं और एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक अलग मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने किस तरह से हर किसी वर्ग को दुखी किया हुआ है। एक 134 ए की एक पॉलिसी थी इनकी, जो ये लेके आए थे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो थोड़ा जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं उनको 134 ए में कुछ परसेंट पे प्राइवेट स्कूलों में इनको एडमिशन होके ये, ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो इन्होंने आते ही उस पॉलिसी को ख़त्म किया था। जैसे ही इनका विरोध हुआ 134 ए ख़त्म करने पे, तो इन्होंने एक जुमला कि हमें एक नई पॉलिसी लेके आएंगे, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए ये। इन्होंने उसके अंदर ऐसी ऐसी शर्तें रख दी कि हम उसको पूरा अगर कर भी दें तो उसमें फिर उसके बाद भी कोई ऐसी लगता नहीं था कि भी बात बनेगी। इन्होंने शर्तें रखी कि भी घर का जो घर है, घर से स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। अब देखो 1 किलोमीटर दूरी क्या होती है, शहर से अगर गांव होगा चार पाँच किलोमीटर है। उसके बावजूद इन्होंने ऐसी ऐसी कंडीशनें रखी, फिर भी मैंने इनकी हर एक कंडीशन को पूरा किया था। मैंने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए एक स्कूल में फॉर्म लगाया था, धून पब्लिक स्कूल लाड़वा में। तो उस स्कूल में फॉर्म लगने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं एडमिशन देंगे। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं एडमिशन दोगे, जब मैं आपका जो भी आपकी शर्तें हैं उनको पूरा कर रहा हूँ, सरकार की शर्तों को पूरा कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं दोगे। कह रहे हैं हम नहीं देंगे एडमिशन, आप बीओ ऑफिस में चले जाओ। तो बीओ मैडम से मिला, उन्होंने मेरी कोई ज़्यादा बात सुनी नहीं। तो मैंने इनकी सीएम विंडो लगा के उस सीएम विंडो को 3 महीने तक ऐसे ही घुमाया गया, कभी उसको अलग डिपार्टमेंट में, जबकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उन्होंने उसको जो महिला बाल विकास है उसमें भेज दिया। ऐसे करते कराते उसको उन्होंने बंद कर दिया वहीं पे। तो फिर मैंने दोबारा से एक सीएम विंडो फिर लगा दी उसके ऊपर कि भी ये गलत हो रहा है, जब मैं आपकी सभी शर्तें पूरी कर रहा हूँ तो आप एडमिशन क्यों नहीं देते। तो ऐसे करते करते उस सीएम विंडो को भी 2 महीने निकल गए थे। तो उस पे जब बीओ मैडम का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हाँ क्या दिक्कत आ रही है, मैंने उनको बताया मैम आपने एक तो जब आपको जो शर्तें थी मैंने सब शर्तों को पूरा किया है, और आपके डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से बोला गया था कि भाई आप इन इन शर्तों से और ऐसे ऐसे बच्चों का एडमिशन दिलाओ, और आपको ये भी बोला गया था कि आप एक मोनिटरिंग सेल बना करके पूरे जितने स्कूल हैं इनसे बच्चों का एडमिशन दिलवाओगे, तो आपने ना तो मोनिटरिंग सेल बनाया अपना, ना आपने इस पर कोई ध्यान दिया। मैं तो थोड़ा सा ये था कि पढ़ा लिखा था मैंने, इस तरह से भाग दौड़ की मुझे पता लग रहा है, जैसे कितने बेचारे गरीब लोग थे जो यहाँ आते चक्कर लगाते घूमते फिरते, और स्कूलों ने उनको इतना परेशान कर दिया, उनको कोई न्याय नहीं मिला।
तो मैडम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम आपका करते हैं कुछ। तो जैसे स्कूल वाले मतलब जो सर थे उनको बुलाया, वो अपनी शर्तें रखने लगे, कहते हैं भाई देखो हमारा तो आप हम आपको अगर एडमिशन देते हैं ना अपने स्कूल में अब, तो जो इनकी पॉलिसी है उसमें यह है कि भाई आपकी एडमिशन फ़ीस आएगी सिर्फ, हमें जो एक्टिविटी है एक्टिविटी चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आप कितना एक्टिविटी चार्ज पे करवाओगे, कहते हैं अब इस टाइम आपको 10,000 रुपये तो पे करना पड़ेगा जो हम मतलब जो बनता है हमारा कंप्यूटर लैब का ये वो। तो मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी बच्चे का एडमिशन करा चुका हूँ पहले स्कूल में, 6 महीने तक आपका वेट थोड़ी करता, मैं 6 महीने से घूम रहा हूँ दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ, तो आप थोड़ा कम कर लीजिए। कहता है नहीं भाई ये मतलब कि ये तो इतना ही रहेगा, आपने अगर एडमिशन लेना है ठीक है, नहीं लेना तो आप बताओ। तो इतना कहने का मतलब ये है कि सरकार जो पॉलिसी खुद की अपनी उन पे भी ये नहीं है। सीएम विंडो लगा लगा के परेशान हो गया जब उन्होंने ये कहा कि भी 10,000 रुपये तो देना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा मैं तो आज जोड़ता हूँ, मैं तो वहीं ठीक हूँ, मेरा तो वहाँ 5,000 में पूरा एक साल अब और आगे क्लियर हो जाएगा। तो बीओ मैडम की तरफ से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि भी आप अगले साल, अब वो ही कह रहे हैं कि भी अगले साल आप एडमिशन देख लेना हो जाएगा आपका। मैंने ये जैसे मेरा डी ग्रुप का एग्ज़ाम नज़दीक था इसको लेके मैंने कहा क्यों इनके चक्रों में आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैंने उसको एप्लीकेशन को ही छोड़ दिया। तो कहने का भाव ये है कि भी सरकार ने हर किसी को इतना परेशान क्यों है, और सबसे जो ज़्यादा चोट की है इन्होंने एजुकेशन को लेके की है। सभी को राम राम, सभी को साधुवाद। बस जनरली सी बात है, सारे हम भी तैयारी करने वाले हैं भाई साहब। मैं अपना एक्सप्रेस बताऊंगा, कोई झूठी बात नहीं करते हैं बिल्कुल। मुझे यूनिवर्सिटी में रहते हुए 7 साल हो गए भाई साहब। हम स्टूडेंट के लिए बीच में रहे हैं, खुद भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ की तैयारी करी है, नेट की भी की, पीएचडी की भी की, आरजीआरएफ की भी की, डी ग्रुप की भी की, सीईटी की भी, ऐसे सीजीएल की भी की, हर बच्चों के बीच में रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, मैं पहले बात बता दूँ आपने, सरकार ने शर्म आनी चाहिए। हर बार भर्ती एक दस मतलब भर्ती निकलती नहीं भाई साहब, निकला तो उसकी डेट नहीं, डेट तो पेपर हो जाए, पेपर हो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाए तो कोर्ट में फंस जाए। शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब ने, मैं आपका माध्यम था खट्टर साहब ने बताना चाहूँ, खट्टर साहब ने तो विवाह कराया नहीं, एकड़ भी बात कहूँगा मेरे भाई सारे बैठे हो रहे हैं, खट्टर साहब ने बताना चाहूँ सरकार ने, ये तो भर्तियाँ लेट नहीं हो रही मेरे भाई, शादियाँ लेट हो रही हैं, जीवन का एक पड़ाव पीछे जा रहा है। आप हंसने की बात नहीं है, हो सकता किसी ने भाई न लगे, सच्चाई है कड़वी। बस जब तक आदमी स्वावलंबी नहीं होता, जब तक शादियाँ नहीं होती, ये पेपर लेट नहीं हो रहे खट्टर साहब। आप तो ठीक है गुजारा करके सिंगल, लेकिन भाई हमने परिवार बसाना है, 5-5 साल आप पेपर लेट कर रहे हो, सीधी का मतलब क्या है, हमने 5 साल पीछे निकाल दी, 5 साल कम नहीं होता जीवन, आज के टाइम में 50 का रह रहा है, 50 में कब पता कौन चलता चल जाओ, बच्चे ही मर भी सब 25 होगी, 25 बढ़ाई 30 होगी, अरे शादी की उम्र भी होती की कुछ कुछ होती भी क्या, सारे ने सब ने रंडे मारेंगे, सर हमारे चाहिए सरकार ने। दूसरी बात है रे बा, और हर पेपर लीक पेपर बिक रहे हैं, कमाल की बात है मेरे भाई, कोमल वैस मैं अपना कह रही ना मेडल नहीं आता, मैं तो नहीं सरकार ने मेडल लाऊंगे 3, अरे एक हिसाब होना चाहिए कंपटीशन ओलंपिक के अंदर होना चाहिए, पेपर लीक का, पेपर लीक का मामला हो ना तो स्वर्ण पदक लेके आऊँ अपने खट्टर साहब, और दूसरा पदक लेके आऊँ अपने क्या नाम छोटे सी एम कह दिया अगर जिन आजकल दूषण चौटाला, और तीसरा जो पदक वो HPSC और HSC को मिलेगा, तीनों तीनों पदक रहा लेगा बैठो अपना कुछ और ढूंढ रहा बिठाओ बड़का विजेता बताया जाए था मैंने, अरे शर्म आने जाए खट्टर साहब बूढ़े मारागा के, ए शर्म की शादियाँ पीछे चली भाई साहब, कड़वी बात कहा करूँ मैं, हमेशा सच बोलता हूँ कड़वी बात बोलता हूँ मेरे भाई, शादियाँ पीछे चली गई मेरे भाई, आज भी बता दूँ आधी शादियाँ टूट चुकी हैं, डी ग्रुप की भर्ती निकली थी भाई साहब, बच्चे ने लोगों ने शादी की कर दी, डी ग्रुप के बाद शादी लोगों ने रिश्ता कर दिया, उसके बाद क्या होया डी ग्रुप की भर्ती ज्वाइनिंग हुई, आधे सीटें लग रहे आज आई टी इंस्ट्रक्टर की सीटें खाली नहीं है, शादियों के भाई साहब पता चला बच्चा ज्वाइन नहीं किया शादी टूट गई, सच्चाई याद है बच्चे ऐसे नहीं फेरा मतलब शादी टूटी है, तो इन बातों ने तमाम बातों ने ले गई सारी बात, और खट्टर साहब ने कहा भाई जीवन बर्बाद कर दिया अपना, तो कर लिया रंड अपने में कट गया मारा ना कट है, और बड़का ने जरूर लाओ, और भाई सीटी का तो रबा ना नहीं चलेगा, इनकी बार तेरी सरकार ने उखाड़ेगा फेंकांगे कितने बैम हो कितने नू को था छात्र तैन का सोगा, तो सो लिए मेरे भाई, जब तक यूजवान सीटी सी बात है नौजवान ना अगर आसवाल था होगा नहीं तो चैन तो नहीं सुन देवा, ऐ नू कहता मैं छात्र लेकर भाई सब ने बयान दिया कि मैं चादर तैन का सोचूंगा, अरे फद्दू हम चादर तैन का सुवांगे तो मारा हाथ माओगी नहीं पावर तो तेरे भी हम बिगड़े पोगा जो कर मारा लाइन लाग रहा, तो इन तमाम बातें लेगा भाई साहब सारे बैठे भाइया तेरा साधुवाद धन्यवाद। चलो आप सब मोटी मोटी बात तो ये है कि खासतौर पर अगर CET की बात करें तो जो ग्रुप COD तो उसमें एक सबसे बड़ी कंसर्न जो मुझे लगा आप सबकी बात से वो ये है कि एक तो जॉब कैलेंडर फिक्स होना चाहिए, सबसे प्राइमरी जो है ना चीज़ कि एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है, मैंने अगले 1 साल के लिए 2 साल के लिए क्या करना है वो मुझे एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जैसे भाई संधू कह रहा था
कि 11 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाओ, 2 बजे डिनर कर लो। वो कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपनी लाइफ को प्लान तरीके से जीने का अधिकार है। अगर हमारी डिपेंडेंसी किसी डिसीजंस के अंदर सरकार के डिसीजन के ऊपर है तो उसमें कम से कम क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि ये एक साल का जॉब कैलेंडर है, ये एक साल में ये भर्ती इस महीने में निकलेगी, इस महीने में ये भर्ती पूरी होगी और इस तारीख को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसमें कोई टेक्निकल पेंच फंसता है तो उसको भी विचार करना चाहिए कि टेक्निकल का आपको क्या एंगल देखना है जिसकी वजह से वो भर्ती डिस्टर्ब ना हो, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हुई। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जो आप सबके बीच में से ये चीज़ निकल के आई है। बाकी जैसा बहन ने बताया HPSC का है, कोई भर्तियाँ नहीं निकली, जबकि हरियाणा के अंदर क्योंकि स्कूल एजुकेशन 134A की बात करी, 134A पर मैंने कंवरपाल गुर्जर के घर का घेराव किया था यमुनानगर में स्कूल के ऊपर जब इन्होंने करा था। आज एजुकेशन का जो लेवल है ना हरियाणा के सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में, मतलब उसका आप कुछ कह ही नहीं सकते, वो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। अगर एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं होगा ऑटोमेटिकली बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई के अंदर। तो जो सरकारी टीचर भी कई हैं वो भी मैं देखता हूँ कि वो भी जैसे आप बता रहे थे ना कि वो भी 10,000-15,000 वाले को बुला के वहाँ करके अस्थायी तौर पे उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में शायद ही कोई ऐसी भर्ती होती है जिसके ऊपर कोई इस प्रकार का कोई एलिगेशन ना लगे, कोई पता लगता है कि पेपर क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई पता लगता है जी ये तो पहले फलाने जिले में जी पहले लीक हो चुका था, पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं, जैसे 32 क्वेश्चन रिपीट हुए उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। तो मेरा फोकस है कि आपके मुद्दों को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो हम सरकार के सामने और लोगों के सामने उसी सतर्कता के साथ और उसी सीरियसनेस के साथ कि जितना वो सीरियस इशू है हम उसको उठाएं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और सरकार तक ये बात पहुंचे। और मैं आपने आज पूरा दिन दे दिया, आप लोगों का काम लाइब्रेरी में पढ़ने का है, अपने अपने हॉस्टल्स में बैठ के कमरों में बैठ के पढ़ाई करने का है, आज का आपका दिन ले लिया, मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आगे भी आपसे अगर हमें कुछ सहयोग चाहिए हो तो आप जरूर समय निकालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।